कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, पवित्र रक्ताभिषेक की इस महत्वपूर्ण प्रार्थना सभा में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि जो घुटना टेक सकते हैं घुटना टेकें और योग्य तथा भक्ति भाव से इस प्रार्थना सभा में भाग ले। आइए हम शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पा लगाए। रख ले उसी में आशा, तज़ दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पा लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें भूले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें भूले हमारे पापों के दाग सारे। कृपया आप लोग मेरे पीछे दोहराइएगा, हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्रेम किया, हमसे इतना प्रेम किया, कि हमारे लिए अपने एकलौते पुत्र को ही, अपने एकलौते पुत्र को ही अर्पित किया, अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे, जिससे जो उसमें विश्वास करे, उसका सर्वनाश ना हो, उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त हो। हे संसार के मुक्तिदाता प्रभु यीशु, हे संसार के मुक्तिदाता प्रभु यीशु, हम तेरे पवित्र बलिदान के लिए, हम तेरे पवित्र बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा है, तूने कहा है, यह प्याला मेरे रक्त का, मेरे रक्त का नूतन विधान है, नूतन विधान है। यह तुम्हारे लिए, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है, बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं, हम अंगीकार करते हैं, कि हमारा उद्धार, कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की, तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है, कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर, हम पर दया कर, और हमें, और हमें हर बंधन से मुक्त कर, हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम
पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्याज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पा लगाए। रख ले उसी में आशा, त्याज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पा लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें भूले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें भूले हमारे पापों के दाग सारे। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और इस प्रवचन के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। आंखें खोले मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में फिर एक बार मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरा पूर्ण विश्वास है कि यह प्रार्थना आपके लिए अनुग्रह की प्रार्थना है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस प्रार्थना के लिए, विशेष करके यह पवित्र रक्त अभिषेक प्रार्थना के लिए। जब से कार्यक्रम शुरू हुआ मुझे बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं।
कई लोगों ने कहा कि इसके द्वारा उनके जीवन में बहुत सारी कृपाएं मिल रही हैं। हमारी प्रार्थना दल की एक बहन ने मुझे फ़ोन करके कहा कि उनको कुछ दिन पहले एक टेलीफोन मिला था, पिछले शुक्रवार को शाम को 7 बजे प्रार्थना शुरू होनी थी, उससे पहले एक बहन से फ़ोन मिला और उस बहन ने हमारे प्रार्थना दल के उस सदस्य को फ़ोन करके कहा कि मुझे तुरंत स्वामी अनिल देव से बात करना है, आप मुझे नंबर दीजिए। तो उस बहन ने उनको समझाने का प्रयास किया कि वे आपका फ़ोन नहीं उठाएंगे, लेकिन उसने कहा कि आज मुझे मरना है, उससे पहले मुझे स्वामी जी से बात करना है। तो बहन ने पूछा कि समस्या क्या है। उसने कहा कि मेरे परिवार में मुझे एक तिरस्कार मिल रहा है, मेरा विवाह हुआ, बच्चे हैं, लेकिन मुझे तिरस्कार मिल रहा है, मैं जी नहीं सकती हूँ, मुझे जीने की इच्छा नहीं, मैं मरने जा रही हूँ। तो हमारे प्रार्थना दल की बहन ने उससे कहा कि आप ये काम कीजिए, अभी थोड़ी देर में पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना शुरू हो रही है, आप उसमें भाग लीजिए, पूरा मन लगाकर भाग लेना, उसके बाद मैं आपको नंबर दे दूंगी। रक्ताभिषेक प्रार्थना समाप्त हुई, आधे घंटे के बाद उस बहन ने हमारे प्रार्थना दल के बहन को फोन किया, इतनी खुशी से फोन कर रही थी, वो कह रही हैं कि गजब हो गया है, जब प्रार्थना के दौरान फादर जी बोल रहे थे अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना करें, प्रभु की स्तुति करें, अचानक मेरे दोनों हाथ ऊपर उठे, जबकि एक हाथ सूख गया था, 2018 जनवरी से मैं उस हाथ को उठा नहीं पाती थी, उस पर बहुत ज़्यादा दर्द होता था, अचानक मैंने दोनों हाथ ऊपर उठाए, उसके बाद मैंने देखा वो दर्द गायब है, मेरा हाथ स्वतंत्र हो गया है। तो हमारी बहन ने उससे पूछा स्वामी जी का नंबर चाहिए, उसने कहा नहीं चाहिए, बिना मांगे प्रभु ने मुझे इतनी बड़ी चंगाई दी, तो मांगने पर मेरे परिवार के लोगों को क्यों नहीं बदलेंगे। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, प्रभु यीशु हमारा ख्याल करते हैं, वो हमें त्यागते नहीं। पिछले रविवार को हमारे एक विश्वासी ने फोन किया, अच्छे विश्वासी हैं, कई वर्षों से आश्रम आ रहे हैं, लेकिन उतने दृढ़ नहीं हैं। पिछले रविवार को करीब 12 बजे उन्होंने फोन किया, कहा कि स्वामी जी आप कैसे हैं, आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। मैंने पूछा क्या हो रहा है, सब कुछ डवाडोल है, सब गड़बड़ है। तो मैंने उनसे पूछा आप इतने दिनों में, 4-5 महीनों में जो कार्यक्रम चलाया जाता है उसको देखते हैं? तो उसने कहा कि मैं कभी कदार देखता हूँ। अच्छा, घर पर प्रार्थना होती है, कभी कदार होती है? मैंने पूछा ऐसे कैसे जी सकते हैं आप, वचन नहीं सुनते हैं, प्रार्थना नहीं होती है, तो आप जी सकते कैसे? मैंने कहा आध्यात्मिक जीवन को मत भूलिए, आध्यात्मिक जीवन को हल्के से मत लीजिए, आध्यात्मिक जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, एक अच्छा सा पौधा आपने रोपा है, अगर उसको पानी ना मिले, अच्छा सा अच्छा पौधा क्यों ना हो, वो सूख जाएगा। हमारा एक शारीरिक जीवन होता है, हमारा एक आध्यात्मिक जीवन भी होता है। अगर आप कभी कदार भोजन करेंगे तो आपके शरीर का क्या होगा, कमजोर हो जाएगा। एक महीना भोजन नहीं करेंगे, आपका शरीर कमजोर हो जाएगा, सूख जाएगा, हर तरह का रोग उसमें आ जाएगा। ठीक इसी तरह आध्यात्मिक जीवन है, ठीक इसी तरह आध्यात्मिक जीवन है। अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे, वचन नहीं सुनेंगे, अच्छी संगति नहीं ढूंढेंगे, तो आपकी आत्मा भी सूख जाएगी, कमजोर हो जाएगी, शैतान का हर तरह का प्रपंच उसके अंदर आ जाएगा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग दुष्ट आत्मा के चंगुल में हैं। ऐसा क्यों होता है? उनकी आध्यात्मिक स्थिति कमजोर हो गई, उनका आध्यात्मिक जीवन बिगड़ गया, इसलिए वे हर प्रकार के शैतानी प्रपंच और कार्यों के पंजे में आ जाते हैं। हमारा शारीरिक जीवन है और हमारा एक आध्यात्मिक जीवन भी है, ख्याल कीजिएगा, ध्यान देना, हमारा एक शारीरिक जीवन है, हमारा एक आध्यात्मिक जीवन भी है। अगर हम शारीरिक जीवन को मजबूत नहीं रखते हैं, भोजन नहीं करते, व्यायाम नहीं करते इत्यादि इत्यादि, तो हमारा शरीर दुर्बल हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, मर जाएंगे।
उसी तरह अगर हमारे आध्यात्मिक जीवन को जिंदा रखने वाली चीजों का हम ग्रहण नहीं करेंगे तो हम दुर्बल हो जाएंगे, हम टूट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। संत पौलुस कुरिन्थियों के पहले पत्र की अध्याय 2 उसके वाक्य 14 और 15 में कहते हैं, दो प्रकार का व्यक्तित्व है, दो प्रकार के मनुष्य हैं, एक है प्राकृत मनुष्य, एक है आध्यात्मिक मनुष्य। जिस व्यक्ति ने सिर्फ अपने शारीरिक जीवन के बारे में सोचा है, अपने शरीर को पुष्ट रखना, शरीर को सुंदर रखना, शरीर को सजाना, वो शारीरिक रूप से पुष्ट रहता है लेकिन वो आध्यात्मिक रूप से बिल्कुल सूख जाता है। उसके अंदर आध्यात्मिक गुण नहीं होंगे, उसके अंदर प्रेम नहीं होगा, दया नहीं होगी, करुणा नहीं होगी, शांति नहीं होगी, आनंद नहीं होगा, पवित्रता नहीं होगी, क्षमाशीलता नहीं होगी, सहनशीलता नहीं होगी, वो कट्टर और कठोर बन जाएगा। वो कुछ भी करेगा, मारकाट, झगड़ा, गाली गलौज, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, शोषण, अत्याचार, क्योंकि उसका आध्यात्मिक व्यक्तित्व सूख गया है। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक जीवन मजबूत है, उसके अंदर दया होगी, प्रेम होगा, करुणा होगी, शांति होगी, आनंद होगा, पवित्रता होगी, सहनशीलता होगी, क्षमाशीलता होगी, उसका जीवन सुखमय होगा। आप पढ़ेंगे रोमियों के पत्र की अध्याय 8 उसके वाक्य 5 से संत पौलुस ने कहा है कि हमारे अंदर दो कार्य काम करते हैं, एक है आत्मा और दूसरा है शरीर। पौलुस कहते हैं एक दूसरे के विरोधी हैं, आत्मा और शरीर एक दूसरे के विरोधी हैं। जो शरीर की प्रेरणा के अनुसार जीता है वह शरीर की आवश्यकताओं को ही पूरी करता है, जिसका फल है, नतीजा है मृत्यु। शरीर मृत्यु के आगे नहीं ले जा सकता है। लेकिन जो पवित्र आत्मा के अधीन जीवन जीता है, आत्मा के अधीन जीवन जीता है, उसके अंदर शांति और जीवन होगा, उसके अंदर शांति और जीवन होगा। गलातियों के पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 17 में संत पौलुस कहते हैं कि आत्मा और शरीर एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं। आत्मा जो चाहती है, शरीर उसके विरुद्ध है। इसीलिए हमारे अंदर एक द्वंद्व चलता है, हमारे अंदर बेचैनी होती है, हमारे अंदर अशांति होती है। जो व्यक्ति शारीरिक और आध्यात्मिक जीवन का ख्याल करता है, उसके जीवन में संतुलन होगा, उसका शरीर भी पुष्ट होगा, उसकी आत्मा भी पुष्ट होगी। यही कारण है एफेसियों के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 16 में संत पौलुस कहते हैं, कि संत पौलुस हमारे लिए घुटने टेक कर ये प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? कि वह अपने आत्मा द्वारा आप लोगों को अपनी अपार कृपा निधि से अभ्यंतर शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करें। एक बार और सुन लीजिए, पौलुस कहते हैं कि मैं घुटने टेक कर ये प्रार्थना करता हूं आप लोगों के लिए। क्या? कि वह अपने आत्मा द्वारा आप लोगों को अपनी अपार कृपा निधि से अभ्यंतर शक्ति, यानी आंतरिक शक्ति, अभ्यंतर शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करें। पौलुस कहते हैं कि मैं घुटना टेक कर आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर आपको आंतरिक शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करें। अगर आपके आध्यात्मिक जीवन में आप पुष्ट हैं, आप शारीरिक रूप से बीमार हो सकते हैं, तब भी आप खुश रहेंगे। अभी 3 दिन पहले एक सिस्टर का निधन हुआ, मैं उनको जानता हूं, ज्यादा उम्र की नहीं है। उनका नाम सिस्टर लिसी होली क्रॉस। करीब 20-25 साल से वह एक गंभीर रोग से जूझ रही थी, 25 साल से करीब, एक ऐसा रोग, प्रेशर का रोग, अप डाउन, कुछ पता नहीं चलता किस समय प्रेशर लो हो जाएगा, तब वो गिर जाएंगी, पड़ी रहेंगी, कुछ खा नहीं पाएंगी, ऐसी अवस्था में थी। लेकिन वह जिन गरीब लड़कियों की सेवा करती थी, उन गरीब लड़कियों के साथ रहती थी कलकत्ता में, और जब भी मैं उनसे मिलने गया, उनके चेहरे पर सिर्फ मुस्कान दिखाई देती थी। 25 साल तक वह कैसे अपनी जिंदगी को आगे आज तक बढ़ा पाई? क्योंकि उनके अंदर एक आध्यात्मिक ताकत थी, एक आंतरिक शक्ति थी। अब पौलुस का उदाहरण लीजिए, पौलुस और सीलस बंदी गृह में पड़े हैं, बहुत बुरी तरह से चोट खाए हैं, बहुत बुरी तरह से मारे गए हैं, लेकिन वे बंदी गृह में पड़े हैं, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। ये क्या है? उनके अंदर एक आंतरिक शक्ति थी।
आध्यात्मिक जीवन पुष्ट था। लेकिन हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो शारीरिक रूप से पुष्ट हैं, कमजोर हैं, दुर्बल हैं, थके हैं, कोई आशा नहीं है, उम्मीद नहीं है, उदास हैं, क्योंकि उनका आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक व्यक्तित्व सूख गया है। हम स्तोत्र में पढ़ते हैं, स्तोत्र 42 में स्तोत्रकार कहता है, जैसे हिरणी जलधारा के लिए प्यासी है उसी तरह मेरी आत्मा हे प्रभु तेरे लिए प्यासी है। मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है, ध्यान से सुनना, मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है प्रभु, यह एक सच्चाई है। हमारी आत्माएं अभी भी प्यासी हैं। प्यासी समझते हैं ना, यानी पानी नहीं मिला है। आपके शरीर में प्यास होगी तो आपको क्या अनुभव होता है आप जानते हैं। कई घंटों आप जल नहीं पिएंगे तो आपके शरीर के अंदर क्या परिवर्तन आएगा आप जानते हैं। आपके शरीर के अंदर क्या आकड़न आ जाएगा आप जानते हैं। आप कैसे बेचैन हो जाएंगे आप जानते हैं। स्तोत्रकार कहता है मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है, क्योंकि मनुष्य आध्यात्मिक प्यास को बुझाता कम है। हमारी आत्माएं प्रभु के लिए प्यासी हैं, उसकी प्यास को बुझाना जरूरी है। जब हम उस प्यास को बुझाएंगे नहीं, हमारे अंदर आत्मा प्यासी है, तब वो प्यास बाहर भी दिखाई देगी। हम बेचैन हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं, बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं घबराहट है, डर लगता है, डॉक्टर के पास चले जाएंगे, डॉक्टर ईसीजी लगवाएंगे, डॉक्टर ईसीजी लगवाएंगे, एमआरआई कराएंगे, सीटी स्कैन कराएंगे, सारे टेस्ट करने के बाद डॉक्टर बोलेंगे सब नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है। समस्या क्या है? आध्यात्मिक जीवन नहीं है, आत्मा प्यासी है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 4 उसके वाक्य 4 में प्रभु येसु कहते हैं, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता है, मनुष्य को जीने के लिए रोटी ही काफी नहीं है, पर्याप्त नहीं है। जानवरों को जीने के लिए कोई खाद्य पदार्थ काफी है, मनुष्य को जीने के लिए रोटी ही काफी नहीं है। आधुनिक इंसान को देखिए, पुराने जमाने की तुलना में आज हमारे पास अच्छे अच्छे भोजन हैं, बहुत अच्छे अच्छे भोजन खाते हैं, इसके बावजूद इंसान आज कितना कमजोर है, कितना दुर्बल है, कितना परेशान है, कितना रोगी है, अस्पताल पर अस्पताल बढ़ता जा रहा है। हालांकि हमारे खाने की शैली बदली है। प्रभु येसु कहते हैं मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता है, मनुष्य को जिंदा रखने के लिए और अन्य चीजों की आवश्यकता होती है। मनुष्य के शरीर को जिंदा रखने के लिए शायद रोटी काफी है, लेकिन मनुष्य के आध्यात्मिक व्यक्तित्व को जिंदा रखने के लिए प्रभु येसु कहते हैं परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन की आवश्यकता है। आध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ा भोजन परमेश्वर का वचन है। यह बात प्रभु येसु ने 40 दिन और 40 रात उपवास करने के बाद कही। 40 दिन और 40 रात यानी प्रभु कह रहे हैं मैं रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से जिंदा हूं। मैं परमेश्वर की वाणी को सुन रहा था, जितना मैं परमेश्वर की वाणी सुनता जा रहा था उतना मैं जीवित रहा। तो प्रभु कहते हैं परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से मनुष्य जीता है। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 12 को आप बार बार सुने हैं। संत पौलुस कहते हैं कि प्रभु की वाणी जीवित है, वो सशक्त है, वो जीवित है, वो जिसमें प्रवेश करती है उसको जीवन मिलता है। एजेकिल नबी के अध्याय 37 में आपने पढ़ा है सूखी हड्डियों के उस सुंदर दर्शन के बारे में। वहां पे प्रभु ने एजेकिल से कहा कि सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी करो। क्या भविष्यवाणी? प्रभु की वाणी सुनो। और सूखी हड्डियां प्रभु की वाणी सुनने लगी और भी जिंदा हो गई, एक बहुत विशाल जन समुदाय बन गई। प्रभु की वाणी हमें जीवन प्रदान करती है। आप पढ़ेंगे सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 4 उसके वाक्य 22 में प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु का वचन हमें नव जीवन का संचार करता है। जब आप प्रभु के वचनों को सुनते हैं, जब आप प्रभु के वचनों को पढ़ते हैं, वो हमारे अंदर नव जीवन का संचार करता है।
हमारे अंदर जीवन प्रदान करता है। यौहन के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 63 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी वही जीवन और आत्मा है। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी वह जीवन और आत्मा है। प्रभु यीशु ने लाजरुस को पुकारा, लाजरुस कब्र में पड़ा हुआ था, उसकी लाश सड़ गई थी। प्रभु यीशु ने लाजरुस को पुकारा, लाजरुस बाहर आ जाओ। यीशु की वाणी को सुनकर लाजरुस जिंदा हो गया। यीशु की वाणी के द्वारा लाजरुस को जीवन प्राप्त हुआ। तो प्रभु का वचन हमें जीवन प्रदान करता है, एक सच्चाई है मेरे भाई और बहनों। प्रभु का वचन हमें जीवन प्रदान करता है, इसीलिए विधिवरण ग्रंथ के अध्याय 32 वाक्य 47 में प्रभु कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए निरय शब्द नहीं है बल्कि इस पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। अंग्रेजी के गुड न्यूज बाइबल में उसका अनुवाद इस प्रकार है, दीज आर नॉट एम्प्टी वर्ड्स बट दीज आर योर वेरी लाइफ, अर्थात ये खोखले शब्द नहीं है बल्कि तुम्हारा जीवन है। जब आप प्रभु के वचनों को सुनते हैं, प्रभु के वचनों को पढ़ते हैं, उन पवित्र वचनों के द्वारा प्रभु का जीवन आपके अंदर प्रवेश करता है। स्तोत्र 1 उसके वाक्य 2-3 को आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा हुआ है, जो प्रभु के वचन में रुचि लेता है वह जलस्रोत के किनारे रोपे गए वृक्ष के समान है, जिसके पत्ते हरे भरे रहते हैं, जो समय पर फल देते हैं। प्रभु का वचन हमें जीवन देता है। आपको सुनना है, आपको पढ़ना है, आपके आध्यात्मिक जीवन को पुष्ट करने के लिए प्रभु का वचन अति आवश्यक है। दूसरी चीज जो अति आवश्यक है वो है प्रार्थना, विशेष करके व्यक्तिगत प्रार्थना, सामुदायिक प्रार्थना और व्यक्तिगत प्रार्थना। जब हम व्यक्तिगत प्रार्थना में बैठते हैं प्रभु का अनुग्रह हमारी ओर बहता है। प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना अध्याय 15:5 में, मैं दाखलता और तुम डालियां हूं, मैं दाखलता और तुम डालियां हूं, जो मुझसे जुड़ा रहता है और मैं जिससे जुड़ा रहता हूं वही बहुत फल उत्पन्न करता है। क्या मतलब इसका? जब हम प्रभु से जुड़ेंगे प्रार्थना के द्वारा तो प्रभु का जीवन रस हमारी ओर बहने लगेगा, हमारा आध्यात्मिक व्यक्तित्व पुष्ट होता जाएगा, हम आध्यात्मिक रूप से पुष्ट होते जाएंगे। प्रार्थना, प्रार्थना के द्वारा हमें जीवन मिलता है, आध्यात्मिक जीवन मिलता है। प्रार्थना के द्वारा शारीरिक चंगाई मिलती है, ये भी हम जानते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जीवन प्राप्त होता है। तीसरी चीज जो हमारे लिए आवश्यक है वो है, विशेष करके हम कैथोलिक लोगों के लिए, हमारे संस्कार, पाप स्वीकार, परम प्रसाद, इसके द्वारा प्रभु का जीवन हमें प्राप्त होता है। प्रभु यीशु ने कहा ये लो और खाओ, ये मेरा शरीर है, ये लो और पी लो, ये मेरा रक्त है। प्रभु ने कहा यूहन्ना अध्याय 6 में उसके वाक्य 52 इत्यादि में प्रभु ने कहा, मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय है, सच्चे जीवन के लिए, आध्यात्मिक जीवन के लिए सच्चा भोजन और सच्चा पेय। जो मेरा मांस खाता है और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है, मैं उसको पुनर्जीवित करूंगा, ये प्रभु का वचन है। प्रभु ने कहा जिस तरह मैं पिता से आया हूं और पिता से जीवन प्राप्त करता हूं, उसी तरह जो मुझे खाता है मुझसे जीवन प्राप्त करता है। संस्कारों के द्वारा हमें प्रभु का जीवन प्राप्त होता है, हम आध्यात्मिक रूप से पुष्ट हो जाते हैं। आध्यात्मिक जीवन को हल्के से नहीं लेना, कभी नहीं बोलना ओह एक दिन प्रार्थना नहीं की तो क्या हुआ, एक दिन भोजन नहीं किए तो क्या होगा, सोचिए वही बात। आध्यात्मिक जीवन को हल्के से नहीं लेना, आध्यात्मिक जीवन को गंभीरता पूर्वक लेना। मैंने आपसे कहा अगर आप आध्यात्मिक रूप से पुष्ट हैं कोई बात नहीं, अगर शारीरिक रूप से आप रोगी हैं, परेशानियां हैं, आप मजबूत रहेंगे, लेकिन अगर आध्यात्मिक जीवन ही बिल्कुल सूख गया है तो सब कुछ रखते हुए आप दरिद्र होंगे, परेशान होंगे, बेचैन होंगे। आंखें मंद कीजिए, प्रार्थना करें प्रभु से कि प्रभु मुझे गंभीरता पूर्वक अपने आध्यात्मिक जीवन को लेने की कृपा दीजिए। प्रार्थना का समय, वचन सुनने का समय, संस्कारों को ग्रहण करने का समय ढूंढ ढूंढ कर मैं पाऊं, क्योंकि मेरे लिए है, मेरे आध्यात्मिक जीवन के लिए। अगर मेरा आध्यात्मिक जीवन कमज़ोर है, मेरी आध्यात्मिकता कमज़ोर पड़ गई है तो मैं कमज़ोर हो जाऊँगा, मेरे अंदर जीवन नहीं होगा, मेरे अंदर अच्छा स्वास्थ्य नहीं होगा, मेरे अंदर शांति नहीं होगी, आनंद नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा। प्रभु यीशु
इन सारी बातों को समझने के लिए मुझे प्रज्ञा का वरदान दीजिए। अभी तुरंत आराधना है, आराधना में हम विशेष करके पवित्र रक्त के द्वारा चंगाई और बंधनों से आजादी के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। 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 प्रभु की आराधना करते जाइए, यीशु की आराधना करते जाइए एक साथ। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। ओ प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah।
हालेलुया 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 सब लोग मिलकर हालेलुया 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 यीशु मेरा जीवन है यीशु मेरा प्राण है हालेलुया 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 गाइए हालेलुया 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 की आराधना करते हुए हालेलुया 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 गाइए हालेलुया 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 यीशु मेरा जीवन है यीशु मेरा आनंद है हालेलुया हालेलुया शांति है ये सु जीवन रोटी है हालेलुया 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 ये सु भला चरवाहा है ये सु भला चरवाहा है हालेलुया 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 प्रभु यीशु की सामर्थ्यवान उपस्थिति को इस समय हम अंगीकार करें स्वीकार करें। प्रभु ने कहा जो खो गया था मानव पुत्र उसी को ढूंढने और बचाने आया है। जो खो गया था मानव पुत्र उसी को ढूंढने और बचाने आया है। जो खो गया था मानव पुत्र उसी को ढूंढने और बचाने आया है। प्रभु यीशु इस संसार में हम में से हर एक को ढूंढने आए हमें बचाने आए। अपनी आंखें मंद कीजिए
हृदय को प्रभु के लिए खोलिए, विश्वास कीजिए। मृत्यु को हराने वाले प्रभु यीशु, मरने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से जी उठने वाले यीशु, इस समय हमारे बीच विराजमान है, हमारे लिए अपना सानिध्य एक उपहार के रूप में दे रहा है। अपने हृदय और मन को प्रभु के लिए खोलिए, यह अनुग्रह के क्षण है, आशीष के क्षण है। जिस तरह प्रभु यीशु ने मृत्यु को हराया, उसी तरह प्रभु यीशु हमारे जीवन के हर प्रकार की मृत्यु समान परिस्थिति को बदलना चाहते हैं, हमारे मृत्यु समान हर प्रकार की परिस्थिति को बदलना चाहते हैं। यीशु के लिए अपने हृदय और मन को खोलिए, यीशु के लिए अपने परिवार के दरवाजे को खोलिए। जिस तरह जाके उसने प्रभु यीशु को आनंद के साथ अपने घर में स्वागत किया, उसी तरह इस समय प्रभु यीशु को अपने जीवन में स्वागत कीजिए। अपनी आत्मा में बोलिए, आइए यीशु, मैं तेरा स्वागत करता हूँ, मेरे जीवन में आइए, मेरे टूटे जीवन में आइए, मेरे बिखरे जीवन में आइए, मेरे हर तरह से परेशान जीवन में आइए। आना यीशु, आना। आज का जीवन कितना कठिन है यीशु तू जानता है, किन किन परिस्थितियों से मैं गुजरता हूँ तू जानता है, मेरे परिवार की क्या दशा है तू जानता है यीशु, मैं तेरा स्वागत करता हूँ। आइए यीशु, आइए। मेरे कहने से पहले मेरी आवश्यकता को जानने वाले प्रभु यीशु, मेरे मन की एक एक बात को जानने वाले प्रभु यीशु, मैं तेरा स्वागत करता हूँ इस समय। मेरे जीवन में आइए यीशु, आइए। मेरा दृढ़ विश्वास है कि मेरे सवालों का जवाब तेरे पास है, मेरी समस्याओं का समाधान तेरे पास है यीशु। आइए प्रभु यीशु, आइए। प्रभु यीशु के लिए अपने हृदय और मन को खोलिए। मेरे भाई, मेरी बहन, प्रभु से कुछ देर वार्तालाप कीजिए, बोलिए आप किस अवस्था में, किस परिस्थिति को लेकर प्रभु के सामने बैठे हैं। अपने परिवार की स्थिति को, अपने व्यक्तिगत स्थिति को प्रभु को समर्पित कीजिए। प्रभु यीशु मुझे देख, मुझे देख यीशु, मुझे देख। जिस तरह वो अर्धांग रोगी तेरे सामने रखा गया, मैं भी समय तेरे सामने रखा गया हूँ, मैं भी समय तेरे सामने हूँ यीशु, मुझे देख, मुझ पर दया कर। जिस तरह वो अंधा तेरे पास लाया गया, मैं भी तेरे पास लाया गया हूँ, मुझ पर देख, मुझ पर दया कर, मुझे देख। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। यीशु की आराधना कीजिए अपने हृदय की गहराई में, यीशु की आराधना कीजिए। यीशु को आपके जीवन में समय कार्य करने दीजिए। विश्वास करना, अंगीकार करना, यीशु हैं और यीशु हमारे बीच में हैं, यीशु हमारे साथ हैं। उनका नाम इम्मैनुअल है, ईश्वर हमारे साथ, ईश्वर हमारे साथ। हमसे दूर, हमसे अलग नहीं है, हमारे साथ हैं। विश्वास करने समय अपने हृदय और मन को एकाग्र करना, पूरे विश्वास के साथ इस आराधना में भाग लेना। यीशु आपके जीवन में कुछ करना चाहते हैं, अनुग्रहपूर्ण कार्य करना चाहते हैं, आपकी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं। वचन में लिखा हुआ है यरमिया अध्याय 29 उसके वाक्य 13 और 14 में, यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, यदि तुम संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढोगे मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, और मैं आकर तुम्हारे भविष्य को पलट दूंगा, और मैं आकर तुम्हारे भविष्य को पलट दूंगा। यदि तुम संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढोगे, अपने संपूर्ण हृदय को यीशु के लिए समय खोलिए। ये पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना आपके लिए, आपके इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण बात हो। खोलिए समय अपने जीवन को, अपने हृदय को। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यूहन के सुसमाचार के अध्याय 10 उसके वाक्य 10 में प्रभु यीशु कहते हैं, चोर चुराने, मारने और नष्ट करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया हूं कि उन्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। ये प्रभु की एक महान घोषणा है। प्रभु कहते हैं चोर चुराने, मारने और नष्ट करने आता है,
परंतु मैं इसलिए आया हूं कि उन्हें जीवन मिले, बल्कि उन्हें परिपूर्ण जीवन मिले। मैं रिपीट करता हूं, प्रभु यीशु कहते हैं, चोर चुराने, मारने और नष्ट करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया हूं कि उन्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। प्रभु यीशु ने हमें जीवन दिया। प्रभु यीशु ने हमें जीवन देने के लिए अपने जीवन को चढ़ा दिया, अर्पित किया। वचन में क्या लिखा हुआ है? ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया। प्रभु यीशु ने हमारे लिए अपने आप को अर्पित किया, अपने अंतिम बूंद तक रक्त बहाया। यीशु का एक एक रक्त बूंद हमें जीवन देता है। रक्त जीवन का प्रतीक है, रक्त में ही जीवन है। आपके शरीर में रक्त कम हो जाता है, शरीर में रक्त चढ़ाया जाता है। प्रभु यीशु ने हमारे अंदर जीवन बहाने के लिए अपने रक्त को बहाया, अपना जीवन हमारे लिए न्योछावर किया, और प्रभु यीशु के पवित्र रक्त के द्वारा हमें पुनः जीवन प्राप्त होता है। प्रभु यीशु का पवित्र रक्त और निर्दोष मेमने का रक्त हमें जीवन प्रदान कर देता है। इसलिए अभी हम उस पवित्र रक्त के द्वारा जीवन प्राप्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। आपका अनुवाक्य होगा, यीशु का रक्त मुझे जीवन प्रदान करता है। बोलिए, यीशु का रक्त मुझे जीवन प्रदान करता है। यीशु का रक्त मुझे जीवन प्रदान करता है। यीशु का रक्त मुझे जीवन प्रदान करता है। आंखें बंद करके और दोनों हाथों को खुला रखकर अपने हृदय की गहराई से इसको दोहराते जाएंगे। यीशु का रक्त मुझे जीवन प्रदान करता है। यीशु का रक्त मुझे जीवन प्रदान करता है। जब मैं थक जाता हूँ और बोझ से दब जाता हूँ, जब मैं थक जाता हूँ और बोझ से दब जाता हूँ, यीशु का रक्त मुझे जीवन प्रदान करता है। जब मैं टूट जाता हूँ और आशाएं टूट जाती हैं, यीशु का रक्त मुझे जीवन प्रदान करता है। जब मैं तनाव में रहता और संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं, यीशु का रक्त मुझे जीवन प्रदान करता है। जब मैं बीमार पड़ता और शरीर दुर्बल हो जाता है, यीशु का रक्त मुझे जीवन प्रदान करता है। जब मैं पाप में गिरता और मेरी आत्मा झुक जाती है, जब मैं विफल हो जाता हूँ और निराश हो जाता हूँ, यीशु का रक्त मुझे जीवन प्रदान करता है। जब शैतान मुझे प्रलोभन में डालता और मुझे उलझा देता है, जब मेरा विश्वास टूट जाता और मैं अंधविश्वासी बन जाता हूँ, जब मेरे सपने टूट जाते और जीने की इच्छा मुझ में समाप्त हो जाती है, जब मेरा दिल घायल हो जाता और मेरा मन उदास हो जाता है, यीशु का रक्त मुझे जीवन प्रदान करता है। 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 दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाएंगे, ऊंची आवाज में, बुलंद आवाज में, मुंह खोलकर, हालेलुया हालेलुया। यीशु के पवित्र रक्त को जो 2000 वर्ष पहले कलवारी पहाड़ पर बहाया गया, इस समय आपकी ओर बहने दीजिए, आपको जीवन देने दीजिए, आपके हृदय की ओर बहने दीजिए, आपको जीवन देने दीजिए, आपकी निराशा को मिटाने दीजिए, आपकी उदासी को मिटाने दीजिए, आपके थकान को मिटाने दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। पावन लहू से धो दे मुझे, पावन लहू से धो दे मुझे। अपने दोनों हाथों को अपने सीने पे लगाना, अपने छाती पे लगाना, आंखें बंद करके प्रभु से प्रार्थना करना, पावन लहू से धो दे मुझे, पावन लहू से धो दे मुझे, नव जीवन संचार कर दे, नव जीवन संचार कर दे, पावन लहू से
दो दे मुझे पावन लहू से दो दे मुझे नव जीवन संचार कर दे 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 प्रभु यीशु मेरे हृदय में तेरा पवित्र रक्त बहे मेरे घायल हृदय को शुद्ध करने चंगा करने के लिए अपने पवित्र रक्त को मेरे हृदय की ओर इस समय बहाइए मेरे उदास मन को फिर एक बार अपने आनंद से भरने के लिए तेरे पवित्र रक्त को बहाइए यीशु मेरा शरीर जो रोगी है जो दुर्बल है उसे बलवान बनाने के लिए मेरे रोग को मिटाने के लिए तेरे पवित्र रक्त को मुझ में बहाइए यीशु तेरे पवित्र रक्त के द्वारा मुझे जीवन प्रदान कर सामर्थ्य प्रदान कर शक्ति प्रदान कर धन्यवाद यीशु धन्यवाद धन्यवाद यीशु धन्यवाद धन्यवाद यीशु धन्यवाद तेरी स्तुति तेरी महिमा तेरी आराधना तेरी स्तुति तेरी महिमा तेरी आराधना धन्यवाद यीशु धन्यवाद हम इस समय सभी रोगियों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं प्रभु यीशु का पवित्र रक्त हमें शुद्ध करता है हर रोग से चंगा करता है वचन में लिखा हुआ है मत्ती अध्याय 8 वाक्य 16 में लोग प्रभु यीशु के पास रोगियों को ले आए और प्रभु ने शब्द मात्र से अवधूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया सब रोगियों को हर प्रकार के रोग से लोगों को मुक्त किया इस समय अपने रोगों को प्रभु के अधीन कीजिए हर तरह के रोग को प्रभु के अधीन कीजिए गंभीर से गंभीर रोग को कोरोना को दिल के समस्याओं को चमड़ा संबंधी समस्याओं को प्रेशर संबंधी समस्याओं को पेट उदर संबंधी समस्याओं को गुप्त अंगों संबंधी समस्याओं को हाथ पैर के रोग एक एक रोग को यीशु को समर्पित कीजिए फेफड़े के रोग आस्मा दमा टीबी सर दर्द आंखों में समस्या कान में समस्या एक एक रोग को इस समय यीशु के हाथ में समर्पित करेंगे यीशु के अधीन करेंगे यीशु की शक्ति से परे कोई रोग नहीं है यीशु वैद्यों के वैद्य हैं डॉक्टरों के डॉक्टर हैं समर्पित करते जाइए समर्पित करते जाइए यह अनुग्रह का समय है चंगाई का समय है यीशु को कार्य करने दीजिए अपने दोनों हाथों को प्रभु की ओर उठाएंगे इस समय और आंखें बंद करके स्वतंत्र रूप से अपने रोग को प्रभु को समर्पित करते हुए यीशु की स्तुति और आराधना करते जाएंगे हालेलुया 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 कैंसर 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 के रोग से कैंसर के रोग से रक्त संबंधी लहू संबंधी हर प्रकार के रोग से इसी वक्त यीशु तेरी जनता को चंगाई मिले चंगाई मिले चंगाई मिले चंगाई मिले हालेलुया हालेलुया डिलीवरेंस 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 चंगाई 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 डिलीवरेंस चंगाई डिलीवरेंस चंगाई डिलीवरेंस चंगाई हालेलुया 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 अभी हम पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए विशेष प्रार्थना करेंगे उस गीत में आप मेरा साथ देंगे मेरे पीछे उस गीत का जो अनुवाक्य है गाते जाएंगे सभी लोग जो लोग घुटना टेकना चाहते हैं घुटना टेक सकते हैं और अपने मन को प्रभु पे लगाएंगे पूरे विश्वास के साथ गाना पक्के विश्वास के साथ गाना सारे संसार पर हमारे घर पर हमारे देश पर सर्वत्र पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए हम प्रार्थना करेंगे
पवित्र रक्त के अभिषेक के द्वारा हमें शुद्धिकरण मिलेगा, हमें चंगाई मिलेगी, बंधनों से आजादी मिलेगी, हमारा पक्का विश्वास है। समय मेरे पीछे गाते जाएंगे, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने, शाप मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने, शोक मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से, जोर से गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने
अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए, एक साथ जाते जाएंगे, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मुखोलिए मुखोलिए, स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अभिषेक अभिषेक अभिषेक, प्रभु यीशु तेरे पवित्र रक्त का अभिषेक मिले, तेरी जनता को तेरे पवित्र रक्त का अभिषेक मिले, इस सारे संसार पर तेरे पवित्र रक्त का अभिषेक हो, इस धरती पर तेरे पवित्र रक्त का अभिषेक हो, हर परिवार पर तेरे पवित्र रक्त का अभिषेक हो, हर मनुष्य पर तेरे पवित्र रक्त का अभिषेक हो, यीशु के पवित्र रक्त का अभिषेक। हालेलुया अभिषेक अभिषेक अभिषेक, शुद्ध कीजिए यीशु, पवित्र कीजिए यीशु, आजाद कीजिए यीशु। हालेलुया चंगा कीजिए यीशु, चंगा कीजिए यीशु, चंगा कीजिए यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। हम संत पापा फ्रांसिस की प्रार्थना को दोहराते हुए इस प्रार्थना को समाप्त करेंगे। मेरे पीछे दोहराएंगे, मुझे यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है, कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। दाहिना हाथ ऊपर उठाते हुए दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ मेरे पीछे दोहराएंगे, मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है, कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता, मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है, कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता, कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता, कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पवित्र रक्त के शक्ति के द्वारा हर बंधन खुल जाए, हर बंधन खुल जाए, महामारी इस धरती से मिट जाए, मिट जाए। यीशु के पवित्र रक्त के द्वारा इन विश्वासियों को हर तरह के रोग के कीटाणु से सूक्ष्माणु से सुरक्षा मिले। हालेलुया 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 हालेलुया। अभी परम प्रसाद की आशीष है, परम प्रसाद की आशीष ग्रहण करेंगे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, हर शुक्रवार को यह पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना जारी रहेगी, जरूर देखें और लोगों को भी इसके बारे में जानकारी दें।
यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्याज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन का लगाए। रख ले उसी में आशा, त्याज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन का लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें भूले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें भूले हमारे पापों के दाग सारे।